हमारे मंगल भाई ने मक्का भर ली है ट्राली में। समस्या ये है कि इसके बाद थोड़ी और आगे चले जाएगी, इसके बाद फिर गाड़ी आगे नहीं जाएगी। भाइयों मेरा राम राम, मैं हूं प्रत्येक। आज हम फिर से गेहूं कटाने जा रहे हैं। उस दिन जो हमने गेहूं लाए थे वो ट्राली में ही थे, तो क्या प्रोग्राम वाले हैं मतलब वापस से उन्हीं को देना है जिनसे बेच लिया था। तो अब जा रहे हैं वहाँ पर ट्राली खाली करने, फिर यहीं से सीधे खेत में चले जाएंगे। पहुँच के बताता हूँ आपको, हार्वेस्टर चलेगा जब। मीडियम एक पर चलता हो आओ, मीडियम एक तो थारी मार। छः टैंक गेहूँ वहाँ खाली कर हमने वेयरहाउस पे, ये सातवां टैंक अभी डल गया है। और ये हमारे मंगल भाई यहाँ हैं फोर्ड लेके मक्का लेने। 31 मक्का और बची है, शायद है कि आज या कल में ख़त्म हो ही जाएगी। और अभी काका गए हैं उधर गेहूँ खाली करने, मैं भी इस ट्रैक्टर में भरवा रहा हूँ। इतना सा खेत और बचा है, ये जो आम दिख रहे हैं यहाँ तक का है बस, उधर का भी थोड़ा सा कच्चा है, उसको फिर कटवाएंगे। और इधर जो है ये भी हरे हैं, तो ये छोटा सा टाका है, ये सड़ गए थे तो ये बाद में फिर बोए थे, तो ये भी अभी हरे हैं, तो इनको भी ये कटवाने के बाद उसको कटवाएंगे, उसको अलग रखेंगे, मतलब वहाँ नहीं देंगे। वो क्या है, वो बीज के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको अपन घर ही ले जाएंगे, घर में भी यूज़ हो जाएंगे। और ये हो जाएगा, फिर उसके बाद शायद है कि सरसों काटने जाएंगे 12 बजे बाद। और कल जो लाइट की जो कहानी हुई थी रात को, हुआ ये था कि डीपी पास से तो लाइट थी, पर किसी ने बीच में जम्पर काट दिए थे। अब वो आज जाके देखना है कहाँ से कटे हैं, उसको भी रिपेयर करना था कि रात को मोटर चल जाएगी। ये आखिरी टैंक खाली हो रहा है, फिर बच्चे हैं ये, तो वो देखते हैं उसको कटवाएंगे फिर।
आएगा खाली करेगा उसको, ये उसके बाद में ले जाना ज़्यादा है क्योंकि घर चले जाए हाथ आते तो बैठे तो छोटी काली छुट्टी आ रही है वो भी है हमारे क्योंकि वो हमारे मंगल भाई ने मक्का भर ली है ट्राली में ट्राली है जरा सी और मक्का उससे ज़्यादा हो गई है, थोड़ी सी मजबूरी थी ये कि इतना सा टुकड़ा बचा था इसके पीछे, फिर वो बड़ी मगजमारी हो रही थी इसलिए इकट्ठी ले जाना पड़ रहा है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो यहाँ तक सिडल रखी यहाँ तक बुआ गया है, अब इसके इधर इतना और बचा है तो इसको बखर के और बो के पानी दे के काम ख़त्म करना है, फिर इधर लगना है, इधर पूरा हो गया है अब या तो 12 बजे बाद या फिर कल भूसा मशीन चल जाएगी भूस बन जाएगा और फिर इसको थोड़ा थोड़ा बखर के फिर रोटावेटर करके फिर बोना है। अब इधर पानी चल रहा है, आज रात को तो नहीं हो पाएगा, कल रात तक ये पानी भी पूरा हो जाएगा तो फिर कल रात को जाएगा, परसों इधर बो के इधर लगा देंगे पानी, तो कल और परसों दो दिन हैं इससे में अपन कम से कम उसकी पानी की चाल शुरू कर देंगे। और ये जो हमारे यहाँ पे छोटा सा कुआ है, छोटा सा तो नहीं मतलब छोटा कुआ है ये, तो ये कुएँ में भी मोटर डाल देंगे तो एक वो हो जाएगी एक अपनी हो जाएगी दो और दो ऊपर की ऐसा चार मोटर हो जाएगी तो पानी अच्छा खींचा जाएगा। अभी बज रहे हैं 11:30, हम घर जाके खाना खा के और फिर जाना है सरसों काटने मतलब निकालने, आधी कटी हुई है आधी खड़ी है, लेबर मिल नहीं पा रही है इसलिए अब ये निर्णय लिया है कि खड़ी कटवा लेंगे एकदम हार्वेस्टर से और जो कटी हुई है उसको डाल के निकाल लेंगे। तो घर पहुंच के फिर सरसों निकालने चलते, और ये वाले गेहूं बचे हैं ये भी 4-1 रोज में ये भी आ जाएंगे। ये हमारा फोर्ड, ये छोटी ट्राली और ये इतना सारा वजन, आ गए हम लोग खेत में। समस्या ये है कि इसके बाद थोड़ी और आगे चले जाएगी, इसके बाद फिर गाड़ी आगे नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ पे एक पाइप डला हुआ है पिलिया का, तो अपनी अल्टो है छोटी गाड़ी है नीचे है, हो सकता है वहाँ टिक जाए तो फुकट रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं है, वहाँ एक साइड लगा के और फिर पैदल चल देंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-1 खेत छोड़ के अपना खेत है। आ गए हम खेत में, और ये इतना जो पहले का कटा हुआ ये, बाकी वो उधर हार्वेस्टर चल रहा है। ये गल्फा है इसका जो निकला है पीछे से, टैंक भर चुका है, ट्रैक्टर से आ रहा है दिनेश को खाली करने के लिए।
वो जो पहले की एक मोटर थी वो बंद हो जाएगी, तो अब दो मोटर पड़ोसी की और एक मोटर अपनी। आज मैं डीपी पे गया था तो पता चला कि वहाँ पे जो, चलो मैं आपको फिर पहुँच के बताता हूँ, अभी आवाज़ ठीक से क्लियर नहीं आएगी। हम खेत में, हाँ मैं आपको बता रहा था कि डीपी पे गया था, मैं डीपी पे गया था तो पता चला कि वहाँ किसी ने फ्यूज़ निकाल दिए थे, तो इसलिए रात को लाइट नहीं आई थी। और इधर दिख रहा होगा लाइट भी और थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी आपको, ये भूसा मशीन चल रही है। और आवाज़ इसलिए ज़्यादा आ रही है कि दो भूसा मशीन चल रही है, तो आज ही रात को ही ऐसा अनुमान है कि पूरा भूस बन जाएगा। तो कल उसको बखर के और थोड़ा बहुत रोटर वेटर करके, अगर कल रात को यहाँ का पानी हो जाएगा तो परसों बो देंगे उसको, तो ये पानी हो जाएगा आज रात और कल रात लगभग हो ही जाना चाहिए। अपनी मोटर तो हो गई है चालू और एक उनकी पड़ोसी की चल रही है, तो दो मोटर चल रही है। अब चल दिए घर। आज भी 10 बज रहे हैं अभी, तो एडिटिंग वगैरह करना, अपलोडिंग करना, समय बहुत लगेगा, इसलिए वीडियो आज भी नहीं डल पाएगी, कल ही डलेगी वीडियो। अब आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।